को आपके अपने ही YouTube चैनल UAE खबर तो में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं UAE की दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेबर के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। इसी वीडियो के अंदर आप दोस्तों को जो है बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी कर देना है ताकि आपके और भी दोस्तों को पता चल सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास यूएई में जॉब्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई एजेंट वाला चक्कर नहीं, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट कंपनी से रब्ता करके आप उनसे जो है ये जो है जॉब्स ले सकते हैं। अब बात करने वाले हैं यूएई की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। चाहे प्राइवेट सेक्टर हैं या फिर गवर्नमेंट हैं, सब में मुत्तहिद अरब अमीरात में निजी शोबों के लिए भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। मुत्तहिद अरब अमीरात में निजी शोबों के लिए ईद पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। छुट्टियाँ 29 रमज़ान से 3 शवाल तक होगी। इससे कबल वफाकी अथार्टी बरए हुकूमत इंसानी वसाइल ने सरकारी इदारों के मुलाजमीन के लिए ईद की छुट्टियों का ऐलान किया था। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी इस पर अमल दरामद नहीं करेगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, मुत्तहिद अरब अमीरात का 1 बिलियन खानों से मुतलक एकदम 3 हफ्तों से भी कम अरसे में दुनिया के 13 ममालिक में खाने तकसीम किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बैड न्यूज़ देते चलें कि अबू धाबी के मशहूर रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मतअम अल इब्राहिमी को, क्योंकि दोस्तों इसमें जो खाने की चीज़ें थी वो कुछ एक्सपायर देखी गई हैं, इसी वजह से इस पर जुर्माना भी किया गया है और इसको कुछ हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके और कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप दोस्तों की जो है लाजमी हेल्प की जाएगी। मुत्तहिद अरब अमीरात रमज़ान के आगाज़ से रैसल खैमे में 50 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये छापे अब शारजा, दुबई, अबू धाबी में भी शुरू कर दिए गए हैं। कोई भी भिखारी पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।